किताब विपरन की रीत तो सच का मार्ग भाग बईवा चौथे कांड का पहला भाग अवतार प्रथा अते गुरमत लेखक गुरबख्श सिंह काला अफगाना आवाज गुरजंट सिंह रूपवाली वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अवतार जिन्ने भी महापुरख दुनिया के सुधार अते पारोपकार लई आए अते जिन्हां दी जीवनी दे इतिहास अते उन्हां दे उपदेशां अथवा ज्ञान तों मनुखता लाभ लैंदी आ रही है गुरु घर विच सदा ही उन्हां दा सन्मान होया है अते गुरु दे सिख भी उन्हां दा सत्कार करना फर्ज समझदे हन। ऐसे पारोपकारियां दा दिलों सन्मान ना करना अथवा उन्हां दी शान विरुद्ध कोई बचन बोलना भारी भुल है अथवा पाप है, पर उन्हां नूं वाहिगुरु करतार विधाता करन कारण जान के उन्हां दी पूजा करना उस तों भी वड्डा गुनाह है। यह समझना कि परमात्मा जन्म धार के मनुखा रूप विच धरती ते कदे विचरिया है अथवा खास जां उचेचे रूप विच विचरन वास्ते प्रभु कदे धरती ते आउंदा है गुरमत अनुसार कुफर है निरा भरम है अथवा विपरन की रीत दे धारनी होण दा ऐलान है। महान कोश विच अवतार दे अर्थ इस प्रकार हन। नंबर एक जन्म मनुखा अवतार दुलाभ पन्ना 486। नंबर दो जन्म ग्रहण जन्म धारना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभक बाणी मूल मंत्र विच ही परमात्मा नूं अजूनी कह के उस दे अवतारी हो के धरती ते आउण वाले भरम दा खंडन कर दिता होया है। मूल मंत्र गुरमत दा तुरा मन्या गया है। गुरु दे सिख दा फर्ज बनता है कि मूल मंत्र दे हर एक शब्द दे अर्थ नूं समझे अते उस प्रति पक्का विश्वास अते अथा श्रद्धा बनाए। अवतार प्रथा नूं मुढ़ों ही निर्मूल समझ लैण लई गुरु के सिख वास्ते इह इक्को अजूनी शब्द ही काफ़ी होना चाहीदा सी। फिर गुरमत अनुसार एक अकाल पुरख ही केवल अजिही अपार शक्ति दा मालक है जो सारे संसार आकार दा करता हुंदा होया आप आकार रहित है। उसका अपना अडरा कोई शरीर नहीं है। सृष्टि का सारा बेअंत पसारा परमात्मा का अपना वजूद है। उसे करता पुरख विधाते का बनाया ये अटल नियम है कि जिसने भी मनुखा शरीर विच धरती ते आना है उस लई केवल अते केवल इको रस्ता माता इस्त्री का गर्भ ही है। इस निजम की उलंघना ना कदे हुई है अते ना कदे हो ही सकती है। परमात्मा बारे सतगुरु नानक जी का फुरमान है नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए पन्ना 473। प्रभु दे मनुखा शरीर विच आउण दी संभावना नूं एकदम रद्द करदा है। परमात्मा गर्भ विच नहीं आउंदा अते गर्भ तों बिना मनुखा शरीर धरती ते नहीं आ सकदा। अपना बनाया असूल परमात्मा आप ही किवें भंग करे। गुरसिख दा धर्म है कि वह सतगुरां दे इन्हां बचनां ते अटल विश्वास रखदा होया किसे भी मनुखा शरीर वाले नूं रब ना मन्ने। भारतीय मनुख दे मुढ़ले गुरु ब्राह्मण ने कबीर बामण गुरु है जगत का भगतन का गुर नाहे पन्ना 1377 अजूनी शब्द दे अर्थ बड़े गुंझलदार बना दिते हुए सन। परमात्मा नूं ओ बिपर भी कई थाई अजूनी अते अजन्मा लिखदा है, पर नाल ही महाराजा दशरथ दी राणी कौशल्या दे पेटों जन्मे श्री राम जी अते वासदेव दी पत्नी देवकी दे पुत्र श्री कृष्ण दोहां नूं ही अजन्मे ईश्वर लिखदा है। ब्राह्मण ने यह समझाउण लई बड़ा खुला प्रचार किया होया है कि श्री राम जी अते श्री कृष्ण जी धरती तों पापियां दा नाश करन लई आए पार ब्रह्म परमेश्वर ही सन। ब्राह्मण दा कथन है कि भगवान जदों ठीक समझदा है अपनी मर्जी नाल कोई शरीर धार के संसार विच आउंदा रहिंदा है, उस नूं किसी इस्त्री गर्भ विच आउण दी कोई लोड़ नहीं। नाशवंत शरीर विच संसार ते प्रगट होण ते भी परमेश्वर नूं अजन्मा सिद्ध करन लई दलील इह दित्ती जांदी है कि आत्मा अथवा परमात्मा कदे जन्म मरण विच नहीं आउंदा। परमात्मा जन्म नहीं लैंदा, जदों चाहुंदा है
वह अपनी योग माया द्वारा प्रगट हो जाता। पर कदे यह स्पष्ट नहीं किया कि जे राम रूप प्रभु अथवा कृष्ण रूप परमात्मा अजन्मा सी तां बिप्र जी ने उपरोक्त दोहां भगवानां दीआं जन्मदातियां महाराणी कुशल्या अते देवी देवकी जी दे नाम परमात्मा दी केड़ी उचेची वडियाई समझाउण लई लिखे हन। जे शरीर दा कोई मुल नहीं है, केवल आत्मा ही सब कुछ है, तां मंदरां विच मूर्तियां की आत्मा दीआं हन। जिन्ना मर्जी है ढकण दा जतन करिए, झूठ दा कोई ना कोई पासा नंगा रह ही जांदा है। हजारां सालां तों मनुख बेदलीले झूठ दी उपज अवतार प्रथा ते विश्वास बनाई बैठा सी। सुजान गुरु नानक निरंकारी जी ने साडी समझ अते विश्वास विच पक्याई दी घाट अनुभव करदिआं अजूनी सिधांत नूं ठीक तरह दृढ़ करवाउण लई कई शब्द लिखण दी कृपालता कीती। पांच भूतक जीवन काल वाले बाकी नौ सरूपां विच विचरदिआं वी चंगी तरह स्पष्ट करके समझाउंदे रहे कि परमात्मा जन्म विच कदे नहीं आउंदा, केवल पहले सरूप समय दे रचे हुए शब्दां विचों कुछ शब्द इस प्रकार हन। सो ब्रह्म अजूनी है भी होनी घट भीतर देख मुरारी जीव। पन्ना 597। अर्थ प्रभु जूना विच कदे नहीं आउंदा, हुण भी मौजूद है, अगां भी मौजूद रहेगा। बाहर किसी शकल विच उसकी भाल करन दी बजाए उसनू अपने हिरदे विच वसदा वेखो। एकम एकंकार निराला अमर अजूनी जात न जाला। पन्ना 838। अर्थ परमात्मा एक है, भाव उसके बराबर दा होर कोई नहीं। वह निराला है, भाव उसका कोई खास घर नहीं है, उसकी मौत संभव नहीं। वह अजूनी है, भाव वह गर्भ विच नहीं आता, उसकी कोई जात नहीं है, वह किसी जाल विच नहीं, भाव उसनू माया का बंधन नहीं व्यापता। धन धरणी धर आप अजूनी, तोल बोल सच पूरा, करते कीमित करता जाने, कह जाने गुर सूरा। पन्ना 930। अर्थ सतगुरु तोल विच बोल विच सच्चा ते पूर्ण हुंदा, अते जो परमात्मा धरती दा आसरा है, जो आप ही आप है, भाव जिसका होर कोई शरीर नहीं, जो जन्म रहत है, उही अकाल पुरख सच्चे सतगुर दा धन सरमाया है। करतार दी कुदरत दी था करतार ही जानदा है, जां सूरमा गुरु ही जान सकदा है। अलख अपार अगम अगोचर ना तिस काल न करमा, जात अजात अजूनी संभो ना तिस भाउ ना परमा। पन्ना 597। अर्थ वह परमात्मा अलख है, भाव अदृष्ट है, अपार है, भाव बेअंत है, अगम भाव अपहुंच है, अगोचर अर्थात मनुख दे ज्ञान इंद्रे उसनू समझ नहीं सकते, ना ते सकाल भाव मौत उसनू पोह नहीं सकती, कर्मा दा भी उस उत्ते कोई दबाव नहीं, भाव जिवें जीव अपने कर्मा दे अधीन हन। उस प्रभु दी कोई जात नहीं, वह अजूनी है, जूना विच नहीं पैंदा, भाव गर्भ विच नहीं आउंदा, उसका प्रकाश अपने आप तो होया है, ना उसनू मोह व्यापदा है, अते ना ही कोई उसनू भटकना है। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथों अपारा, अलख न लखिए अगम अजूनी, तू नाथा नाथन हारा। पन्ना 1255। ब्राह्मण एक पदवी प्रकरण विच ए इतिहास आया सी कि राजे अते ब्राह्मण की सौदेबाजी कारण ही राजे नूं धरती का ईश्वर बना के उस दे सोले गाए गए सन। समय दे गेड़ ने राजे नूं ही फिर धरती तो असमानी चाढ़ दिता अते रब दे रूप तो सीधा अरब ही बना दिता। गुरबाणी दे जिन्हां शब्दां दे आधार ते इस भेद की समझ पई है वह इस प्रकार हन। जुगां जुगां के राजे किए गावें कर अवतारी, तिन भी अंत ना पाया ताका, क्या कर आख बिचारी। पन्ना 423। अर्थ हे भाई परमात्मा ने राम कृष्ण आदि आपो अपने समय के राजे पैदा किए हैं, पर लोगों ने उन्होंने अवतार मान लिया ते उन्होंने सोले गाउण लग पे।
जिन्हां नूं लोक भगवान कह रहे सन, जद उन्हां नूं भी अकाल पुरख का अंत नहीं सी लब्भा। मैं विचारा तां हाँ ही एक फकीर, मैं भला की आख के उस प्रभु दे गुणां दी विचार कर सकदा। नोट, गुरबाणी दे किसे शब्द अथवा तुक विच अवतारां दा जिक्र आवे तां अर्थ समझण समें इस अटल सिद्धांत नूं कदे नहीं भुलना कि किसे भी पंज भूतक अथवा दृष्टमान आकार नूं परमात्मा मनण दी गुरमत ने भरपूर खंडना कीती है। इन्हां अवतारां अथवा देवतियां आदि नूं राजे कह के उन्हां प्रति बनिया भरम दूर करन दा एक होर बड़ा ही मिठा अते असरदार ढंग, अंसा अवतार उपायन भाव दूजा किया, ज्यों राजे राज कमाम दे दुख सुख पिड़िया, ईश्वर ब्रह्मा सेम दे अंत तिन्नी न लहिया, निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटिया, तिथे सोग विजोग न व्यापई अस्थिर जग थिया। पन्ना 516। गुरदेव जी का फुरमान है कि जे तुसी अंसा अवतारा आदि होंद नू मानदे ही हो तां ओ भी मनुखां वांग परमात्मा दी ही पैदाइश सन, अते फिर तुहाडियां अपनियां ही लिखतां दे अनुसार ओ सारे मनुखां वांग माया दे पिछे भटकदे अते माया कारण आपस विच लड़ाइयां करन वाले ममूली जिहे रजवाड़े सन। ये जो शिव अते ब्रह्मा आदि कह रहे हो ये भी माया पिछे भटकदे तुसां आप ही विखाए हन। जिस परमात्मा दा अंत किसी मनुख नूं नहीं मिल सकिया, उस बेअंत प्रभु दी माया दे किसी एक भी पक्ष की पूरी समझ इन्हां कथित अवतारां अथवा देवत्यां विच्चों किसी नूं भी नहीं आई। असीं पिछे देवी देवत्यां बारे लेखां विच पढ़दिया है कि गुरबाणी विच ब्रह्मा आदि नूं गुरमुखां नालों हेठां दर्शाउंदिआं सतगुरां ने फरमान कीता है कि परमात्मा आकार रहित अते अलख है। प्रभु गुरमुख दे हिरदे अंदर प्रगट हुंदा है। गुरमुख अवस्था जो ब्राह्मणी गाथा विचले किसी भी देवी देवते नूं नहीं मिलदी विच चिंता अते प्रभु नालों विछोड़ा नहीं व्यापदा। सिर्फ गुरमुख ही माया दे मोह वलों अडोल रहिंदा है। अवतारां समेत कोई भी देवता अजिहा नहीं दिसदा जो माया दे पिछे अथवा माया भाव काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे कारण भटकदा खज्जल खुआर हुंदा ब्राह्मण ने ना विखाया होवे। किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग बाईवां चौथे कांड दा पहला लेख, लेखक गुरबख्श सिंह काला अफगाना, आवाज गुरजंट सिंह रूपवाली। पूरी किताब सुनने लई यूट्यूब चैनल गुरजंट सिंह रूपवाली सबसक्राइब करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।